Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome esteemed guest in this show tonight is Ganesh Kankar Saab from the Bharatiya Janata Party. Kankar Saab, welcome to the show. Namaskar. Namaskar, namaskar. We got Gopal Tiwari ji from the Indian National Congress. Gopal Tiwari ji, welcome to the show. Namaskar. And we got Kiran Sonawane ji from Eknath Shinde Sena. Kiran Sonawane ji, welcome to the show. Namaskar. Namaskar. You know, the 3 points हम लोग डिस्कस किए थे. मोदी साहब यहाँ पर थे, he was in महाराष्ट्र. उन्होंने कहा 10 साल में 1 करोड़ लाखपति दीदी हमने बनाए और 2 महीने में 2 months में 11 लाख लखपति दीदी हमने बनाए. 2 months he has made 11. राहुल गांधी जी ने कहा his discussion with the कश्मीरी वुमन, कश्मीरी महिलाओं के साथ उनके दुख दर्द जानने के लिए राहुल गांधी जी बात किए, चर्चा किए. राहुल गांधी जी जाति जनगणना को भी हाईलाइट किया कि हाउ एसेंशियल जाति जनगणना है. एकनाथ शिंदे जी ने, सीएम एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे को मुआयना किया, इंस्पेक्ट किया. शिंदे साहब ने कहा नेट टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन होगा कि पोर्ट होल्स हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. गणेश खानकर साहब, विल स्टार्ट फ्रॉम यू. खानकर साहब फ्रॉम द बीजेपी. मोदी साहब ने कहा लखपति दीजिए 10 साल, 1 करोड़ लखपति दी बना था, पिछले 2 महीने में 11 लाख लखपति दीदी. दैट्स व्हाट ही सेड. वुमन एम्पावरमेंट, वुमन सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वुमन सिक्योरिटी. खानकर साहब जी, आप बिल्कुल, ऐसा है कि जो जनता की अपेक्षाएं है उन पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं. नंबियार जी, आपने देखा होगा कि देश भर में जिस तरह का माहौल अभी इस समय बन रहा है, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए. लोकसभा के चुनाव में तो संविधान के नाम से हमारे मित्रों ने बड़ा यानी हंगामा करने की कोशिश की. अब जिस दिन संसद में अनुराग जी ने सवाल पूछा कि इसमें कितने पन्ने होते हैं ये आपको पता है, तो उस दिन से शायद थोड़ी सी आवाज कम हो गई, क्योंकि कभी संविधान पढ़ा होगा मुझे पता नहीं है. वो प्रीएम्बल भी शायद कभी देखा होगा तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है. अब ये जो दूसरी तीसरी हमारी पारी शुरू हुई है, इस तीसरे पारी में सही अर्थों से हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं और हम अब देश की मातृशक्ति जो देश में घर में चलाती है उन महिलाओं को पूरी ताकत देने के लिए हमने अभी काम करना प्रारंभ किया हुआ है. देखिए, जब तक घर में बैठी हुई महिला सशक्त रूप से समाज में आगे नहीं आएगी, समाज उतना विकास नहीं कर पाएगा. और इसलिए हमने पहले सभी को शौचालय देने का काम किया, हमने बिजली देने का काम किया, हमने हर घर गैस देने का काम किया, हर घर नल से जल देने का काम किया. अब जो सही मायने में है, हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम आगे चल पड़े हैं. अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो देश में किसानों का बड़ा वर्ग है, हमने किसानों को निधि देने की बात कही थी, हम उसको भी पूरा कर रहे हैं. यानी तीसरे टर्म में उसी आत्मविश्वास के साथ जो 2 वक्त हमने कहा था, हम उस पर हम काम कर रहे हैं. और हमें खुशी है कि जिस तरह से महिलाओं का जमावड़ा आया था और हमारे यहाँ भी छोटे छोटे कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ, जिस तरह से महिलाओं का प्रतिसाद मिल रहा है, शायद हमें भी अपेक्षा नहीं थी. बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं नंबियार जी. गोपाल तिवारी जी, यू हर्ड व्हाट खानकर साहब, गणेश खानकर साहब फ्रॉम द बीजेपी सेड. आज मोदी साहब वुमन सुरक्षा, वुमन एम्पावरमेंट, 2 महीने में 11 लाख लखपति दीदी, पिछले 10 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी. राहुल गांधी जी भी आज कश्मीरी महिलाओं से मिले, उनके दुख दर्द जानने का कोशिश किया. जाति जनगणना पर स्ट्रेस है. तो गोपाल तिवारी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्लीज. जी प्रताप जी, सबसे पहले तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको, आपके माध्यम से हमारे सभी साथियों को और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और
अभी हमारे मित्र है गणेश जी, नहीं लेकिन एक मैं उन्होंने थोड़ा जो सा बात, रोकना चाहता हूँ नंबियार जी, यस यस, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोपाल जी सामने बैठे तो उनका भी जन्म तिथि के अनुसार आज ही हुआ था, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। तिथि के अनुसार मेरा जन्म जन्माष्टमी के दूसरे दिन हुआ है, मतलब गणेश जी ने एकदम एक्यूरेट बोला गोपाल जी आपके बारे में, कितना नॉलेज रखते हैं आपके बारे में। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे इंसान है और राजनीतिक हमारे जो मतभेद वो अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत के नाते गणेश जी हमारे अच्छे है। और सर एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी के बारे में, मोदी जी व्हेनेवर ही स्पीक ना, ही डजंट स्पीक विदाउट पॉलिटिकल मोटिवेशन। मोदी जी जब भी बात करते हैं उनके पॉलिटिकल मोटिवेशन के बिना वो कभी कुछ नहीं करते, इट हैज बीन प्रूव ऑफन एंड क्वाइट फ्रीक्वेंटली सर। और दूसरी बात है हमारे गणेश जी ने कहा संविधान के बारे में, तो सर अभी लैटरल एंट्री मतलब जो यूपीएससी और एमपीएससी संविधान के तौर पे जो गवर्नमेंट के आईएएस ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने का जो तरीका है वो उसके लिए कोई संविधानिक ढांचा बनाया गया है, उसको इग्नोर करके इन्होंने 65 बीच में लैटरल एंट्रीज कई जगह भरे हैं, लोगों को मौका दिया है और अभी जो भरना चाहते थे वो नहीं भर पाए, तो ये सीधा सीधा संविधान का वायोलेशन हो रहा है। और इसी के लिए हम देश में कहते थे कि संविधान को खत्म करने जा रहा है, तो उसका एक एक नमूना है, ये किस्सा है। लैटरल एंट्री का कोई संविधानिक कोई प्रोविजन नहीं है, जो यूपीएससी एमपीएससी के जरिए गवर्नमेंट में आते हैं उनको कोई प्रोसेस से जाना पड़ता है, कोई परीक्षा देनी पड़ती है, अपना फर्ज समझ के आगे गवर्नमेंट में जाना था, इसीलिए वो बना है। और दूसरी बात है कि भाई लखपति दीदी वगैरह वगैरह, सर तो एक शॉर्ट में अगर मैं कहूंगा तो 15 लाख भी जुमला था, और अमित शाह जी ने बोला था वो तो जुमला है, 15 लाख थोड़ी देते, ऐसे ही है। उन्होंने बोला था कि स्विट्जरलैंड से पैसे लाएंगे, इतना काला धन है, और काला धन तो स्विट्जरलैंड में अभी 10 साल में 350 गुना बना है सर। इसका बात ये सब जुमले की बात किए थे तिवारी साहब ने, गोपाल जी ने जुमला का, ऐसा है कि गोपाल जी ने आयुष्मान भारत की योजना का लाभ तो लिया होगा। अब सोचिए गोपाल जी के घर में गोपाल जी, उनकी मिसेस और हम दो बच्चे भी पकड़ के चले तो 4 लोग होते हैं, गोपाल जी के माँ पिताजी को पकड़े तो 6 लोग होते हैं, 6 × 5 दैट इज 30 लाख रुपए। गोपाल जी तो 15 लाख मांग रहे थे, हम 30 लाख रुपए की उनके आरोग्य की सुरक्षा उनको दे रहे, कम से कम अभी तो जुमला मत कहिए, भाषणों में तो ठीक है, हमने तो प्रूव करके दिया सर, पूरी सुरक्षा हम आपको दे रहे हैं। सर मेरा एक ही निवेदन है, आयुष्मान के जो बेनिफिशियरी है लाभार्थी है ना, उसकी एक लिस्ट आप वेबसाइट पे डालिए, मैं आपके चैनल के जरिए बिल्कुल खुला चैलेंज देता हूँ, जो भी है जो डिस्ट्रिक्ट में पुना सिटी में पुना डिस्ट्रिक्ट में आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी है उनकी एक लिस्ट डालिए लोगों के नॉलेज के लिए, बस और कुछ नहीं ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ मैं बातें अपनी। हाँ हो गया तो किरण सिंह बोलिए 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 गोपाल जी बोलिए। हाँ और दूसरी बात जो है जो महिला सशक्तिकरण की, तो अभी अभी परसों परसों हाईकोर्ट ने बहुत मतलब ये दूसरी या तीसरी बार ये जो त्रिकुट सरकार है इनकी, इनको काफी डांटा है सर, डांट पड़ी है बड़ी हाईकोर्ट कि भैया आप बदलापुर घटना है, अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में मोदी जी अगर इतना कुछ सेंटिमेंटल संवेदनशील अगर रहते थे तो वो मणिपुर जाते थे ना सर, मणिपुर में जो जो कुछ महिलाओं का अत्याचार हुआ और वह कछुआ हुआ ये बाकी उन्नाव हुआ ये सब योगी के राज में भी जो महिला अत्याचार हुए वो सब जनता के सामने है, इसीलिए इनको 10 साल का इनका तजुर्बा देख के 24-25% इनको सीट कम किए और कांग्रेस को लगभग 98%
लोगों ने कांग्रेस की 10 साल की भूमिका, बहुत मैं पीछे नहीं जाता हूँ, नेहरू के जमाने में नहीं जाता हूँ, ये 10 साल में किसका पॉलिटिकल रोल क्या रहा इसके ऊपर लोगों ने अभी मतदान किया है, वोटिंग आया है, तो लगभग 24% इनका वो घटाया है बीजेपी के, और कांग्रेस के 98% बढ़ा है, सीट बढ़ा है तो और ये और तो जनता ने ये दिया है ना, और अगर महिलाओं के इतने अगर है तो जिस दिन सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन हुआ तो हमारे फोगाट जो है विनीता फोगाट उसको इस तरह से वो आंदोलन कुचल नहीं मतलब वो कुचलते नहीं थे अगर इतनी महिलाओं के बारे में आस्था रहती थी उनकी, तो ये अपनी जगह है बातें करना, अपनी जगह है। मैं किरण सोनावने जी, हाँ गोपाल जी, मैं किरण सिन्हा और सोनावने जी के पास बिकॉज बहुत बोल दिया आपने, बहुत सारे पॉइंट्स लिए, कानकर साहब सबका रिप्लाई करेंगे। सोनावने साहब, यू नो मोदी जी के लिए एकनाथ शिंदे जी ने एक पोएट्री कल बोले कि प्रधानमंत्री पद पे है मोदी इसलिए देश के महिला हो गई लखपति दीदी, मीन्स बहुत बढ़िया कविता मोदी जी के लिए इन्होंने कहा था। हाउ डू यू सी, आज इंस्पेक्शन भी किए, इनका गोपाल जी का जो आरोप कितने लगाए लाड़की, किरण सोनावने साहब बोलिए। गोपाल जी ने जो आरोप लगाया है वो विरोधी पक्ष का काम है, लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सामने नजर आ रहा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरह से लाड़की बहन योजना को लागू किया है तो आप देख सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ये इस योजना को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है। ये मुख्यमंत्री को जहां जाएगा वहां पर स्वागत मिल रहा है, वहां पे उनका एप्रिसिएशन हो रहा है, और इसको देखकर विरोधी पक्ष जो है विपक्ष है उनकी हालत पतली हुई है, इसलिए बार बार लेकर वो छोटे मोटे मुद्दे को लेकर यहाँ पे कोई इश्यू उठाते हैं। और जिस तरह से हमारे मित्र गोपाल जी ने कहा कि ये बदलापुर की घटना वगैरह घटनाएं घटने के बाद में सरकार का काम जो रहता है उसके ऊपर तुरंत एक्शन करना, मैं बदलापुर के करीब ही रहता हूँ और उस वहां पे उस घटना को देखा जाए तो सरकार ने जिसने तुरंत तरीके से उसके ऊपर एक्शन किया है, वहां के मुख्याध्यापक को निलंबित किया है, वहां के तमाम स्कूल जो है स्कूल के यानी ट्रस्टी को हटाकर वहां पे प्रशासन लगाया है, और अभी नई दो दिन में हमारी महाराष्ट्र की सरकार जो है वो महिलाओं के लिए नई स्कीम सुरक्षा स्कीम लाने की घोषणा आज ही मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो विपक्ष अपना काम करे, उनका काम है ये सत्ताधारी पक्ष के ऊपर ताने कसना, लेकिन लोगों को अब समझ चुका है कि विपक्ष ने जो लोकसभा में ये प्रचार किया था, भ्रम फैलाया था, उससे लोग अब बाहर आ चुके हैं और लोग अभी महायुति के साथ में है साथ। कानकर साहब, यू नो यू हर्ड गोपाल जी, गोपाल तिवारी जी ने कितने एलिगेशंस लगाए, एक्यूजेशंस आप पे लगाए, जुमला, आयुष्मान, बदलापुर, सेंट्रल विस्टा, लैटरल एंट्री, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट कानकर साहब बिफोर यू गो अहेड? नहीं, उसमें इस बात पे जो सोनावने जी ने कहा तो उसमें सिर्फ मतलब मैं एक ही जो बड़ा प्रसिद्ध गीत है कि कुछ तो लोग कहेंगे तो कुछ तो विरोधी कहेंगे, उनका काम है कहना। राजेश खन्ना, देखिए ऐसा है कि जो सोनावने जी ने कहा बिल्कुल सही बात है कि देखिए कोई भी घटना होने के बाद में, देखिए इस समय देश में दो घटनाएं हुई है जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई, पूरे मीडिया ने उसको उठाया, एक थी ममता बनर्जी के बंगाल में हुई घटना और दूसरा बदलापुर में हुई घटना। अब दोनों घटनाओं के बाद जिस तरह से सरकार ने सख्ती से काम करने की आवश्यकता थी, देखिए बदलापुर में घटना होने के बाद तुरंत गृह मंत्री जी ने जो ऑर्डर्स पास किए, पूरे स्कूल प्रशासन को लेकर जो केसरकर जी अपने शिक्षा मंत्री है उन्होंने जिस तरह से संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी ने खुद वहां के लोगों से बात की, जिस दिन ये घटना हो रही थी आंदोलन चल रहा था, खुद गिरीश महाजन जी उस दिन उस प्लेटफॉर्म पे गए, लोगों से बात की, मैं उस दिन खुद डोंबिवली में था, यानी जो घटनाएं हुई उसको जिस तरह से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया आप देखते होंगे कि ये सारी घटनाएं हो रही थी तब वहां पे जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो गई, यानी सवेरे आंदोलन शुरू होने के बाद एक घंटे के भीतर तो बैनर तक आ गए कि आमला
लाड़की बहन को, यानी हम आज आरोप करने का ये समय नहीं है। हम हमारा काम कर रहे हैं, कुछ लोग उनका काम है तो उस तरह से करते रहेंगे। लेकिन क्या इस बात के लिए गोपाल तिवारी जी जवाब दे पाएंगे चैनल पर कि जब ये हमने योजना लाई, जिस योजना की हमने घोषणा की, देखिए इस तरह की योजना इससे पूर्व मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने भी चलाई थी और वहां के महिलाओं को हमने सम्मान देने का काम किया था, बस उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में हम ये योजना लाए हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले। भाई हमने किसानों को कुछ मदद देने की कोशिश की, उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचा। देखिए ये नई सरकार है, मोदी जी की सरकार, इसके लिए ना तो आपको तहसील के कार्यालय में जाना पड़ता है, ना सरपंच के घर पर खड़ा होना पड़ता है, ना ग्राम पंचायत जाना पड़ता है, सीधा आपके खाते में पैसे जमा होते हैं, खटाखट 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 खटाखट। यानी सोचते होंगे कि ये खटाखट 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 पैसे कैसे जा रहे, तो साहब बिना किसी दलाली के ये पैसा आम जनता के खिसे में जा रहा है। लेकिन मैं गोपाल जी से ये सवाल चाहता हूँ और सवाल करता हूँ और जवाब भी चाहता हूँ कि उनके एक युग पुरुष है जो रोज सवेरे 9 बजे कौवा पहले बाद में आता है, फिर वो संजय राउत पहले आते हैं, भाई इस पैसे के बारे में जो महिलाओं को हम सम्मान देना चाहते हैं, नबियार जी क्या क्या स्टेटमेंट किया उन्होंने थोड़ा याद कीजिए, यदि आप क्लिप आपके टीम दिखा सके तो, क्या 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 महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए करने वाले हो या गुलामी की तरफ जा रहे हो, आप महिलाओं को क्या समझते हो, यानी क्या क्या स्टेटमेंट, और तो प्योर बाद में कोर्ट में जाने की तैयारी भी इन्होंने की थी। यानी मेरी एक समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई आप भी देश में सत्ता पर थे, आपने गरीबी हटाने का वादा किया, आप उस पर चुनाव जीत के आ गए, उसके पहले आपने क्या क्या वादे किए थे उस पर आप चुनाव जीत के आ गए। भाई हमने तो कभी ये नहीं कहा कि भाई आपने गरीबी हटाओ का वादा क्यों किया, भाई आपको जो ठीक लगा आपने मैनिफेस्टो में कर दिया। अब याद होगा जब सुशील कुमार शिंदे जी और विलास राव जी थे तब इन्होंने एक मैनिफेस्टो में कहा था, बाद में उसको उन्होंने उसको प्रिंटिंग मिस्टेक बता दिया। क्या इसका जवाब गोपाल तिवारी आज दे पाएंगे, हमने तो साफ कभी नहीं कहा, हमने जो वादा किया हमने उसे पूरा करने की कोशिश की। और दूसरी बात, ये बार बार जो रोज सवेरे ये सवेरे जो भविष्यवाणी की जाती है उसमें ये बार बार, यानी महिला ना तुम्हें गुलाम करना का, ये गुलामी की मानसिकता है महिलाओं को क्या, यानी इस तरह की भाषा का प्रयोग जबकि और कौन कर रहा है, संजय राउत जो रात को किसी महिला के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार बात करते हैं वो हमने पूरी दुनिया ने वायरल देखा हुआ है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, भाई आप अपनी सरकार चला रहे थे आपको ठीक लगा आपने किया, अब हम जनता को कुछ देना चाहते हैं तो आपको आपत्ति क्यों है, आप भी कोई नया ढूंढिए ना साहब, कोई नया विषय ढूंढिए, बस मेरी इतनी आपसे विनती है। गोपाल जी से मैं जवाब चाहता हूँ। गोपाल जी बोलिए 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 गोपाल जी जी प्रदीप जी। हाँ हाँ गणेश जी ने जो पूछा बिल्कुल जवाब देंगे। हाँ, मैं एक बात ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपके जो नेताजी है प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर दूसरे राज अगर लोगों को दूसरे स्टेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी कोई ऐसे लोक हितार्थ योजना बनाती है तो हमारे मोदी जी कहते हैं मुफ्त की रेवड़िया बांटना चालू हुआ है, तब इनको रेवड़िया लगती। जब लोकसभा में पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, चुनाव मुंह पे आया है, हरियाणा के साथ चुनाव डिक्लेयर होना जरूरी था तो इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है सर, क्या बात करते हैं। अरे अरे सुनो ना अगर महिलाओं के लिए अकाउंटेबिलिटी हमारे पहले से थी, पूर्वगामी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीआर अंतुले हो पाए और उस समय संजय गांधी निराधार योजना लाई गई जो वरुण गांधी और मेनका गांधी इनके साथ में है, वो संजय गांधी निराधार योजना कांग्रेस ने लाई है, जो भी विडो महिला है उसके पति का निधन होते ही उसको 1500 रुपया पर मंथ मिलता, उस समय 500 था अभी 1500 तो हो गया, उसके बाद उसके बच्चे बड़े होने तक उसको पैसा दिया जाता था और उसके बड़े होने के बाद वो बंद किया जाता था, लेकिन उसके बच्चों का उसका पालन पोषण के लिए किया था। और हमारी संजय गांधी निराधार योजना यहाँ तक सीमित नहीं है, हमारे भाई भी जो है वृद्ध लोग है 60 और 65 के ऊपर जो है जो हैंडीकैप है, अपंग है, निराधार है, अंधे है,
84-85 से आज भी वो योजना चल रही है, उसकी नींव कांग्रेस ने रखी है, संजय गांधी निराधार योजना की। ये मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे मैनिफेस्टो में कर्नाटक ने हमने दी ना योजना ये, और ये योजना हमारे मैनिफेस्टो में भी है। इनको आखिरी में जो मतलब मराठी में कहता है ना, उशिरा सुसलेले शहाणपण, ये बातें इनकी सही में देखा जाए तो अभी इतनी बुरी हार करने के बाद ये इनको, और ये इनको मतलब ऑब्लिगेशन का भाव बता रहे हैं। देखो मेरे पास ये न्यूज़पेपर है, देखो बोलिए ये रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमारा पाठबल दिया आम्मी तुम्हारा रकम वाढ़ो, तो ये सीधा सीधा रिश्वत देने का प्रयास है ये। और ये क्या है, ये क्या है, आम्हाला पाठबळ द्या आम्ही तुम्हाला रक्कम वाढवतो, मतलब क्या है? आज चुनाव 5 साल के लिए इनको सत्ता चाहिए, और महाराष्ट्र का जो भी रोजगार उद्योग सब गुजरात में ले जाना है, इनको राष्ट्रीय संपत्ति बेचनी है, बैंकों को डुबाना है, अपने उद्योगपति मित्रों को उनका कर्जा 16 लाख करोड़ माफ करना है, और अपने ऊपर जो चार्जेस है इनके नेताओं के ऊपर, गणेश जी नहीं वो भले आदमी है उनके, लेकिन जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको अपना जेल से बचाना है, तो अभी इनको पैरों तली जमीन खिस गई है, और जो जो भी मन में आए इस योजना कर रहे हैं। जेल में जाएगा कौन? तिवारी साहब आपने गंभीर आरोप लगाया, पहले जेल में कौन जाएगा? सुनो पहले से पेंशन योजना बोल रहे थे, अभी इन्होंने यू टर्न लेके पेंशन योजना भी एडमिट किया, वो भी लागू किया। अभी तो वो जो चाहिए वो देने को लिए तैयार है, क्योंकि हड़बड़ा गए, और महाराष्ट्र के साथ हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव भी नहीं ले रहे, इवन हरियाणा का चुनाव भी वहां माहौल खराब है कारण वो भी आगे ढकलना चाहते हैं तारीख बदल के। ये क्या है, मतलब ये क्या है, ये वास्तव है ना? मैं बिल्कुल मतलब ये है क्या, नहीं बताइए मेरे को। गणेश जी, इफ यू वांट टू रिस्पोंड देन आई एम गोइंग टू सोनोरा। मैं ये भी आप मुझे नहीं बताइए ना, कर लेते हैं किसी हमारा पाठबल दिया मंत्री साहब ने, ऐसा नहीं कहा है। तुम्हें हमारा पाठबल दिया आम्ही, और भी पेपर है मेरे पास, तुम्हें हमारा पाठबल दिया आम्ही तुम्हारा मदद दे तो व्हाट नॉनसेंस, मतलब आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उनके रवि राणा जो है वो तो बोले कि अगर तुम्ही भरभरून आशीर्वाद मत नाही दिले तर आम्ही 1500 रुपये खिसकन घेऊ। अजित दादा पवार बोले कि जीप छाट लेंगे, अरे पहले उनके ऊपर कार्रवाई तो करो, बाद में जीप छाट लो उनकी। सोनोवणे साहब, खानकर साहब, सोनोवणे साहब आपने गंभीर आरोप सुने। एक नहीं नंबियार जी, हाँ इसमें देखिए ऐसा है कि एक बार क्या है, व्यक्ति फंसने के बाद वो कितना फंसता है, तो गोपाल जी पूरे फंस चुके हैं। अब ऐसा है कि देखो, उन्होंने आरोप तो हम पे लगा दिए। अब इस देखिए, उन्होंने कहा कि संजय गांधी निराधार योजना, मनरेगा, फिर पेंशन स्कीम, अभी उन्होंने एक उल्लेख किया। तो सर ऐसा है कि इस देश में इसकी शुरुआत यदि किसी ने की है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की थी। उन्होंने कहा था मैं गरीबी हटाऊंगी, आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, साहब हमने आपको खुला सपोर्ट दिया था, हमने आपका विरोध नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय संसद में हुई बहस को एक बार गोपाल जी आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि उस समय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, हमने क्या रोल किया था। और दूसरा नमियार जी, अरे आरएसएस के देवरजी ने इमरजेंसी को पाठिंबा दिया था, आरएसएस के देवरजी, इमरजेंसी सरसंघचालक हमारे जेल में थे, अटल जी जेल में थे, गोपाल जी ने सपोर्ट किया था, ये कौन सा बयान दिया था आप लोगों ने? इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं किया था क्या? लेटर है उनका सपोर्ट का, तो अटल जी जेल में जाते हैं, अरे आडवाणी जी जेल में जाते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? ये कौन सा बाला साहब देवरस ने सपोर्ट किया था इमरजेंसी को? अभी आइए, ये इतिहास आपको लखला वो संजय गांधी निराधार योजना की इन्होंने बात की नवजात जी, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी, उन्होंने 500 दिया था, हमने उसको 1500 करके दिया। मनरेगा में जो उन्होंने कहा था, देखिए मोदी जी का संसद के पटल पर भाषण है, जो मनरेगा की मर्यादा थी हमने उसको बढ़ाकर
उसके दिन भी बढ़ाए, उसकी राशि भी बढ़ाई। अरे क्या, अभी तो यार संसद के पटल पे गोपाल जी, मनरेगा के बारे में इन्होंने कहा था, मनरेगा के बारे में ये कांग्रेस के अपयश के खड्डे हैं और इसलिए हमने मनरेगा चालू रखेंगे, ऐसे मोदी जी ने कहा था। मनरेगा आगे उनको चालू, गोपाल जी मनरेगा को मैंने क्या कहा कि जिस जिसकी नींव आपने रखी हमने उसी को आगे बढ़ाया। संजय गांधी निराधार योजना, मनरेगा, ये सरकारी स्कीम, आपने जो पेंशन की स्कीम के बारे में कहा तो सर हमने वन रैंक वन पेंशन आप नहीं कर पाए, हमने करके दिखाया, पूरे देश के जवानों को हमने सम्मान दिया। हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की आप जो बात कर रहे हो ना, तो बहुत सालों से ये देश भर में मांग थी, उन्होंने जो मांग दी थी हमने उनको ऑप्शन भी दिए, हमने उनको वो स्कीम भी दी। और मुझे लगता है कि ये घोषणा होने के बाद अभी किसी भी कर्मचारियों के संगठन ने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, जो सभी को चाहिए था हमने ऑप्शन भी दिए, कितने साल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कितने साल की सर्विस के बाद में आपके बेसिक पे से 50% का जो पेंशन वो चाहते थे हमने वो भी उनको देने का काम किया। देखिए प्रदीप जी, मैं यानी गोपाल जी ने कहा इसलिए मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए देश भर में जो सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के जमाने में लगी थी हमने उसी को आगे बढ़ाया हुआ है। ना तो हमने यूपीएससी कैंसिल की, ना हमने आईएएस, जो उन्होंने रचा था। देखिए ये देश है, ये कांग्रेस के मर्जी पर नहीं चलता, ना भारतीय जनता पार्टी की मर्जी पर चलेगा, ना इंडिया के, एक सिस्टम के आधार पर ये देश चलता है। एक सिस्टम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान से लिखी थी हम उसको फॉलो कर रहे, बस फर्क इतना ही है। जो गोपाल जी शायद मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, गोपाल जी आपके प्रधानमंत्री ने यह कहा था, आपके प्रधानमंत्री ने, कि मैं दिल्ली से एक रुपए भेजता हूं तो आखिरी व्यक्ति तक 15 पैसे जाते हैं। यानी वो उस समय वो सिस्टम थी, हम जब किसी व्यक्ति को पूरा पैसा जब देते हैं, एक रुपया भी भेजते होंगे तो पूरा के पूरा पैसा उसके खाते में जाता है। ये आपके समय में और हमारे समय में ये फर्क है, शायद गोपाल जी आप इसको हजम नहीं कर पा रहे। सोनावणे साहब, सोनावणे साहब, बिकॉज सोनावणे साहब आपके जो स्कीम है, एकनाथ शिंदे साहब ने जो स्कीम, गोपाल जी फर्स्ट, सोनावणे साहब आपके स्कीम को चुनौती दे रहे हैं गोपाल जी, चाहे वो लाडकी भाई यू नो गुलाबी रिक्शा हो, फ्री एडुकेशन, हायर एडुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड हो, अन्नपूर्णा योजना हो, 10 लाख स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड हो, 10,000, तो वाई इज गोपाल जी इसके खिलाफ क्यों है? यू वॉन्ट टू एड समथिंग ऑन दैट? सोनावणे साहब देखिए, सारी योजनाएं लोगों में बहुत बड़ी मात्रा में यशस्वी हो रही है, उनका स्वागत हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है, जैसे कि प्रशिक्षण के तौर पर अधिक को समझो जो है उनको 6,000, 8,000, 10,000 इस तरह का प्रशिक्षण मिलकर आगे चल के रोजगार के लिए हो रहा है। वयश्री योजना है जो वृद्ध लोगों के लिए है, वयस्क लोगों के लिए है, वो तमाम योजनाएं की यशस्वीता देखते हुए विपक्ष के पैरों तले की जमीन खिसक रही है और उनका काम है उनमें से कुछ बाल में से खाल निकालना या उसमें से कुछ नुक्स निकालना। तो गोपाल जी अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, लोग तो महायुति के साथ में है। और अभी आप देखेंगे कि सर्वे जो आया हुआ है, सर्वे में प्रूव हो चुका है कि महाराष्ट्र में अगर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे चुनिंदा चेहरा या फेमस चेहरा अगर कोई होगा तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। यही उनकी ये जो सारी स्कीम है इसका ही ये नतीजा है। और लोकसभा के जो चुनाव है जिसमें जिस तरह से इन्होंने प्रोपोगंडा किया था, ये प्रोपोगंडा लोगों ने भूल दिया है। और एकनाथ शिंदे जी को और हमारे महाविकास आघाड़ी के लोगों को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है उसको हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये अभी बढ़ता जा रहा है, तो इनको ये बातें हजम नहीं हो रही है जिसको लेकर ये हड़बड़ा रहे और हड़बड़ा में कुछ भी आरोप करते जा रहे हैं। ये जो आरोप कोई अखबार दिखा रहे हैं तो अखबार को लेकर मैं बता दूं गोपाल जी कि मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम हमें आशीर्वाद दो, पाटवल दो और हम ये बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग 1500 रुपए दे रहे हैं, आगे अगर चल के ये स्कीम हम लोग 2,000 करेंगे, 2,500 करेंगे, 2,500 करेंगे, 3,000 तक बढ़ाएंगे। हमको आप जैसे सत्ता में हर आदमी, हर राजकीय राजनीतिक पार्टी जो है वो लोगों से अपील करती है कि आप हमें सत्ता दो, और सत्ता जनता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे गोपाल जी? गोपाल जी यू हर्ड, यू वांट टू रिस्पोंड दैट बिफोर आई गो टू खानकर साहब?
एक एक सवाल खाली, बोले बोले कनकर साहब, जो सोनावणी जी ने जो बात कही उसी बात को लेकर भाई ऐसा है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री एक काम भी कर रहे हैं, तो सरकार चल रही है, क्या गोपाल जी फिर से उद्धव ठाकरे जी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? गोपाल जी ये तो देखो, ये चुनाव है, आप चुनाव कराते हैं तो आपको जवाब नहीं, ये नंबियार जी सवाल से भागने का तरीका है, ये जो कह रहे हैं सारा भाई हमने तो कह दिया, ये कहेंगे क्या, ये उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में देखिए इनकी राय क्या है। अच्छा, मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी शिंदे जी से ज्यादा एमएलए बीजेपी के, आप अगले बार भी एकनाथ शिंदे को डिसाइड कर रहे मुख्यमंत्री अभी बता दो महायुति की तरफ से, अगले 5 साल के लिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे रहेंगे चुन के आए तो आप बताइए, आगे भी 5 साल महायुति के एकनाथ शिंदे रहेंगे क्या, आप ही बताइए ना। हम लोग महायुति में चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने हमसे सवाल पूछा तो मैंने ये कहा कि आप जिस तरह से हमसे सवाल करते हो, और सोनावणे ने जो कहा कि भाई सर्वे के रूप में सामने आया तो हमारे सीएम कौन है, तो भाई एकनाथ शिंदे है, क्या आप ये कहोगे कि हमारे सीएम उद्धव ठाकरे थे और वही हमारे महाराष्ट्र के नेता है, और नाना पटोले आपको परमिशन देंगे क्या? अरे हम कहाँ कह रहे भाई, आप ही कह रहे हो ना, आज चुनाव मतलब आपके पहले के जो बीजेपी का बहुमत था, लेकिन आप नहीं कर पाए, आपका जो सीएम का चेहरा था वो फेल हो चुका है, इसलिए आपको अभी इनका साथ सारा लेना पड़ रहा है, आपको सामने अपोजिशन नहीं चाहिए, इसलिए आप अपोजिशन खत्म करना चाहते हैं, और उनको अभी गुवाहाटी सूरत कहाँ जाके और क्या क्या बोल रहे हैं, भोके सरकार ये वो, अभी मैं जानना नहीं चाहता हूँ उसमें, लेकिन जो बातें हो रही है, अगर चुनाव महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं करा है, मैं क्यों नहीं करा है, इसी बात पे मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, बार बार गोपाल जी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए नाना पटोले जी पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, संजय राउत के बाद में नाना पटोले जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गए बार जब चुनाव हुए थे तब गोपाल जी इसका जवाब दे पाए तो दे पाएंगे, जब युति में उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ी थी, पूरे युति में चुनाव लड़ने के बाद, और दूसरी बात कि ये आफ्टर इलेक्शन अलायंस नहीं था, ये प्री पोल अलायंस था, उद्धव ठाकरे हमारे साथ चुनाव लड़कर जीत कर आए थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छामा या कांग्रेस ने शिवसेना का दामन छामा, उसमें एक महीना पूरे महाराष्ट्र में यह राष्ट्रपति शासन लागू था, उसके कारण पूरे के पूरे एक महीना महाराष्ट्र की जनता सरकार से वंचित रही, और जो मर्यादा है वो अब 25 या 15 नवंबर जो भी डेट ये लोग पकड़ना चाहेंगे। तो भाई मुझे एक बात बताइए, जब उस समय उद्धव ठाकरे जी के साथ जाने का निर्णय कांग्रेस ने किया था महाराष्ट्र में, हमारे साथ न आने का निर्णय उद्धव ठाकरे ने किया था, हम तो अलायंस में चुनाव लड़े थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए एक महीना महाराष्ट्र का पूरा के पूरा प्रशासन ठप था। तो आप ये कैसे कह सकते हो हम चुनाव लेट कर रहे हैं? दूसरी बात, हरियाणा में वहां चुनाव सिर्फ 4 दिन लेट हुए हैं, 4 महीने नहीं है, 4 हफ्ते नहीं, सिर्फ 4 दिन, क्योंकि वैष्णव समाज का सबसे बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में होता है, इसलिए मांग की गई, और चुनाव आयोग ने यह धार्मिक विषय होने के कारण सिर्फ 4 दिन, 4 हफ्ते नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम चुनाव से भाग रहे हैं? चुनाव में कैसे जाना ये आपकी दिक्कत है, आप सॉल्व कीजिए साहब, उद्धव ठाकरे को कितनी सीट देनी है या शरद पवार जी को कितनी देनी है, आप हम पे क्यों बरस रहे हो सर? दहीहंडी तो कल है, हंडी हम ही फोड़ने वाले हैं, सत्ता की ध्यान में रखिए। सुनो गोपाल तिवारी जी, सोनावणे साहब ने भी कहा कि सर्वे पे महायुति एकनाथ शिंदे जी, गणेश खानकर साहब भी वही कह रहे, बोले गोपाल जी बोली। सर सर्वे था तो अभी हरियाणा को जो होगा वो होगा, लेकिन अभी हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने इतना कुछ मतलब इतनी तलतल से कहा कि भाई इनके खिलाफ मैंडेट देते हैं, कई जगह 2019 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी शिवसेना अलायंस होने के बावजूद
कई जगह शिवसेना का बंडखोरी उम्मीदवार थे, कई जगह पुनः मतलब यहाँ पे तो विशाल धनवड़े हमारे कस्बा मतदार संघ, कई जगह मतलब अंदर उनके सामने उम्मीदवार थे। अगर ये कहते हैं तो भाई बाला साहेब ठाकरे जी के अगर रूम में, उनकी पवित्र रूम में इन्होंने अगर उनको जवाब दी थी तो 2019 के चुनाव में गोपाल जी मेरी बात सुनिए, आप जो बताना चाहते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मातोश्रीवर आल्याशिवाय चर्चा करणार नाही, ये कहने वाले उद्धव ठाकरे को आपने घास नहीं डाली। उद्धव ठाकरे को बात करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में भी उनके बगल में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे, कहीं जाकर कल राहुल गांधी के बारे में न कह दे कि उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री आपको ही बनाएंगे। आप तो साफ वस्ताद निकले गोपाल जी, आपका अभिनंदन। और दूसरी बात, इतना कहने के बाद में भी ना तो शरद पवार और ना पटोले ना राहुल गांधी कोई भी उनको ये नहीं कह रहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई नहीं कह रहा, आपको मान गए गोपाल जी, आपका अभिनंदन। नहीं 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 बिल्कुल, क्योंकि इंडिया आगाड़ी में वो है नहीं ना। देखो एक बात की याद दिलाता हूँ, आप उस समय लोकसभा के चुनाव में आपका कहना था कि युति करेंगे, उस समय डट के पड़े थे, अड़े हुए थे उद्धव ठाकरे, जहां तक हमारी जानकारी है। ये आपका मामला है, आपका 30 साल के आपके पार्टनर है, 30 साल सर, 30 साल, 30 साल रहकर भी आप एक दूसरे का विश्वास संपादन नहीं कर पाए। और उस समय उद्धव जी कह रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का अलायंस एक ही समय डिसीजन लीजिए। और तब लोकसभा चुनाव देखते जब पुलवामा घटा, तो उस समय घटना हुई पुलवामा की, तब जाके लोकसभा और विधानसभा के बारे में अमित शाह जी मातोश्री पे आए थे, यहां तक आदित्य के भी परमिशन लेके जा रहे थे, हमने देखा। और उस समय ऐलान डिक्लेयर हुआ, उसके बाद आपने चुनाव हुआ कई जगह क्या हुआ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ आपके जो चंद्रकांत जी पाटिल और ये लोग थे गवर्नर कोश्यारी के बाहर आके उन्होंने मीडिया को कहा, अभी भी मैं उसमें क्लिप बता सकता हूँ वो, कि हम सरकार नहीं बना सकते, हम बीजेपी ने सीधा कहा हम सरकार नहीं बना सकते, कांग्रेस इतनी लटपटाई नहीं थी सत्ता के लिए। जब जाके एक महीने के बाद हमने डिसीजन दिया कि चलो भाई महाराष्ट्र की जनता के सामने आखिर सत्ता के लिए राजनीति हो रही है, तो हमने एक सुनो तो जब प्रस्ताव आया तो 15-20 दिन 3 हफ्ते के बाद हमने शरद पवार जी, पृथ्वीराज जी चौहान और गए कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, 15-20 दिन महीना हो गया सत्ता नहीं है, तो हमने सपोर्ट दिया महाविकास आघाड़ी में। उसके बाद 19 के बाद वापस जनता का मैंडेट मिलने के बजाय उससे पहले गोपाल के पास अच्छा खासा बहुमत रहने के बाद एकनाथ शिंदे का ग्रुप आपके पास आने के बाद देयर वॉज नो नीड ऑफ मेजोरिटी, आपके मेजोरिटी की जरूरत नहीं थी, फिर भी जो बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी को हराया, जैसे पुणे में इनके भाजपा के अध्यक्ष जगदीश मुली थे उनके सामने सुनील टिंगरे चुन के आया, ऐसे अजीत पवार गुट जिनको बीजेपी के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया उनको साथ में लेके आपने रेड कार्पेट डाल के क्या जरूरत थी। मैं एक समझ सकता हूँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना आपके साथ थी, लेकिन अजीत पवार जिसके ऊपर आपने आरोप किया आपके प्रधानमंत्री में 70,000 करोड़ का घोटाला, और देवेंद्र फडणवीस बोलते अरे तुमच्या बाजूनी बोलतोय, तुम्हाला तेवढं तर समजून द्या।
अरे तुमच्या बाजूने बोलतोय, तुम्हाला तेवढं समजून द्या की एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपची गरज नसताना निव्वळ समोरचा विरोधी पक्ष लोकसभेच्या पूर्वी खच्ची व्हावा म्हणून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ लढी आहे, जिन्होंने बीजेपी के कॅन्डिडेट हराए है, जिनको बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट लेके जा चलने वाली वो एकनाथ शिंदे जी की है और वो भाजपा के साथ में है, हमारी महायुति है और उसको लेकर काम कर रहे। आपने शिवसेना को तोड़कर, बाला साहब की शिवसेना को तोड़कर जो उद्धव ठाकरे की कांग्रेस सेना बनाई है वो कांग्रेस सेना के साथ में आपका गठबंधन है, लेकिन बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर जो शिवसेना चल रही है वो अभी हमारे साथ में है, हम इकट्ठा है, हम लोग शिवसेना है और वो हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। गोपाल जी सच्चाई को तो स्वीकार करिए, जो अरे सच्चाई आप स्वीकार कीजिए, आपके बीजेपी अरे बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रवादी, देखो 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 अभी देखो आपके मॉरल मॉरल आपका कब रहता है, जब कैंडिडेट जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपने राष्ट्रवादी अजित पवार गुट को बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था, उनको आप सत्ता में लेके बैठे, जनता के साथ ये खुला खुला धोखा विश्वासघात है और क्या बता रहे हो, कौन सा क्या समर्थन कर रहे हो आपका अजित पवार गुट को लेके उनको डिप्टी सीएम बनाना, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आपने किए थे, इसका मतलब आप बेबुनियाद या आरोप कर रहे हो या तो आपके आरोप में तथ्य नहीं है, आप झूठ बोलते हो, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कांग्रेस राष्ट्रवादी साथ में लड़ा, महाविकास आघाड़ी ने साथ में लड़ा और वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जो चुनाव लड़े उनको आप जिन्होंने बीजेपी को हराया है। आप सुना कौन सी मॉरलिटी, बोले बोले सोनोने साहब, यू वांट टू बाला साहब ठाकरे जी का विचार लेकर एकनाथ शिंदे जी आगे बढ़ रहे, ये आरोप जो लगा रहे गोपाल तिवारी, एक तो कांग्रेस को मॉरलिटी की बात, कौन सी मॉरलिटी है भाई, कांग्रेस कांग्रेस मतलब इमोरलिटी, ऐसा पैरेलल चलता रहता है। अरे आपको आपको सही में मेरे को आप पे तरस आ रहा है, अरे हमारे इमोरलिटी कांग्रेस की बड़ी कमी है, ये जवाब गणेश जी ने देना चाहिए, आप दे रहे हैं। एक देखिए कि जिस तरह उद्धव ठाकरे जी को आपने फोड़ कर अपनी सत्ता बनाने की कोशिश की तो उसको लेकर जो अरे खुद बाला साहब ठाकरे बोल रहे थे, बाला साहब ठाकरे ने कहा था और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना चल रही है गोपाल जी, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, आने वाले चुनाव में भी आपको दिखा देंगे। अरे बाला साहब ठाकरे खानकर साहब सुनो 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 खानकर साहब नो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक खानकर साहब बाला साहब अरे सुनो ना एक मिनट बोलिए फिर खानकर साहब के पास बाला साहब ठाकरे ने कहा था मेरे बाद उद्धव को सपोर्ट करना, आदित्य को सपोर्ट करना, बाला साहब ठाकरे की खुद की ये चाह थी, क्या बात कर रहे आप, बाला साहब ठाकरे जिंदा रहते हुए उन्होंने कहा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा था ये, अरे बाला साहब ठाकरे ने कहा था, बाला साहब ठाकरे की विकास शिवाजी पार्क में कहा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा था ये धारा है उसको छोड़ देते हैं, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मेरे बारे गोपाल जी सपोर्ट करें, गोपाल जी मैं एक और बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, अगर उनका बच्चा अगर उनके साथ जा रहा है, अरे बाबा उन्होंने इमरजेंसी में सपोर्ट किया था इंदिरा जी को, बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा जी को सपोर्ट किया था, प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति कैंडिडेट थे तब सपोर्ट किया था शिवसेना ने, आप ऐसे क्या कर रहे हैं। जब राष्ट्र की बात आती थी, जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता था तो बाला साहब ठाकरे ने उस दौरान सपोर्ट किया, इसका मतलब वो कांग्रेसी हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन आपने तो पूरी शिवसेना क्या कहते हैं, हमारी पार्टी मर्ज नहीं हुई है, हमारी फॉर योर काइंड इंटरवेंशन कांग्रेस शिवसेना मर्ज नहीं हुई है, हम पॉलिटिकल हालात में महाविकास आघाड़ी बनाया है, इंडिया आघाड़ी बनाया है, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो एक्सेप्टेबल है इसलिए वो हमारे साथ आए हैं। आपने पीडीपी के अरे आपने तो बीजेपी ने भी तो कई लोगों के साथ अलायंस किया है ना, ऐसे थोड़ी अलायंस नहीं किया है। खानकर साहब अभी बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना था आर्टिकल 370 अब्रोगेशन राम मंदिर, आर्टिकल 370 अब्रोगेशन हुआ, आज
कांग्रेस और अमित शाह जी का चार्ज था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गए और जो बहुत सारे मुद्दे थे अमित शाह ने 10 पॉइंट पूछे कांग्रेस को, 10 पॉइंट कि आप क्या सेपरेट फ्लैग चाहते हो, आप रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल आप रेस्टोर करोगे 370, डायलॉग विद पाकिस्तान, एलओसी ट्रेड विद पाकिस्तान, ये बाला साहब ठाकरे जी का अब मुद्दे निकले तो उनका एक विजन था, एक ड्रीम था आर्टिकल 370 अब्रोगेशन। आज अमित शाह, आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, बोलिए गणेश खानकर साहब। नहीं, क्या है कि मैं गोपाल तिवारी जी की बातों को सुन रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। गोपाल जी ने ये कहा कि शिवाजी पार्क की सभा में बाळा साहब ने कहा कि माझ्यानंतर उद्धवला आणि आदित्यला सांभाळा। आपकी बात बिल्कुल सही है गोपाल जी, ये बात बाळा साहब ने कही थी। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कांग्रेस के साथ जाओ, संभालो मतलब इसका साथ किसके साथ जाना ये तो तय करो। दूसरी बात, मैं यानी नंबियार जी दो तीन घटनाएं आपको बताऊंगा। देखिए कि सत्ता के मोह में, और जो कहते हैं ना कि यानी वो शब्द यहाँ बोलना ठीक नहीं है, ये लालच आदमी को कहाँ लेकर जाती है। याद कीजिए कांग्रेस के बारे में या सोनिया गांधी जी के बारे में बाला साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे शिवाजी पार्क की सभा में, वो क्या कहना उचित नहीं है। अब जब मैं एक दो तीन साल में जब सोनिया गांधी जी का जन्मदिन होता है तो शिवसेना की ओर से ट्वीट आता है, जब राहुल गांधी जी का जन्मदिन होता है तो शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे ट्वीट करते हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, सामना में हमारे युग पुरुष संजय राउत जी बड़े लेख लिखते हैं। एक बार नंबियार जी, एक बार राजनीति से परे होकर कोई कांग्रेस का नेता या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि या उनकी जयंती पर एक कोई ट्वीट किया होगा या कुछ शुभकामनाएं दी होगी तो जरा याद करके नंबियार जी आप मुझे बताइए, यह अधब पतन है, अधब पतन। दूसरी बात, सब कुछ मुद्दों पे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे जी क्या चीज है वो धीरे धीरे कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है, वो आज नहीं बताएंगे, गोपाल जी कभी हमको बताएंगे, मैं उस दिन की राह देख रहा हूं। अब राजकीय मतभेद होना अलग बात होती है, लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर आपके पार्टी की स्थापना हुई थी, जिस 370 आर्टिकल को लेकर बाळा साहब ठाकरे जी के भाषणों को हमने शिवाजी पार्क के मैदान में बैठकर सुना है, जिस हिंदुत्व के विषय को लेकर हमने बाळा साहब ठाकरे जी को सुना है, आप आज भी उसका रिस्पेक्ट करते। मैं कॉलेज के जमाने में था, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन बाळा साहब की स्पीच सुनने के लिए कुछ युवा जाते थे तो मैं भी जाता था। मैं तभी कोई शिवसेना का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन बाळा साहब ठाकरे एक नेता थे जिन्होंने एक बात अपने मुंह से कह दी ना साहब, तो कभी उन्होंने जिंदगी भर उससे मुंह नहीं मोड़ा, अपनी बात पे कायम रहते थे। जिस 370 आर्टिकल के ऊपर उन्होंने बात कही, जो राम मंदिर के ऊपर उन्होंने बात कही, साहब हमने राम मंदिर के ऊपर चंदा इकट्ठा करने का हमारा उद्देश्य यह था कि पूरे जनता का उसमें समर्थन हो। जिस राम मंदिर को लेकर बाळा साहब ठाकरे की भाषा हमने सुनी, भाषण सुने, उनके बेटे ने उस चंदे को लेकर हमारी निंदा की, संजय राउत ने सामना से निंदा की, साहब इसका क्या समर्थन करेंगे और क्या इसका समर्थन गोपाल जी करेंगे? चलो भाई उनको मैं मान सकता हूं, ये कांग्रेस की भूमिका है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की भूमिका ये कैसे हो सकती है? उसका समर्थन शिवसेना कैसे करेगी जब हमने उनको राम मंदिर के उस अनुष्ठान प्रतिष्ठा का हमने उनको निमंत्रण भेजा? ये मैं मान सकता हूं कि भाई कांग्रेस ये टेम्पररी हिंदुत्ववादी लेने वाली पार्टी है, जनरली लेफ्ट से होता है कि राइट से होता है पूछेंगे आप राहुल गांधी को, जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जिस तरह से बेलपत्र पिंडी पर देते हैं तो ध्यान में आता है ये कौन सी पूजा में बैठे हैं। मैं उनकी अपेक्षा नहीं व्यक्त करता, लेकिन कम से कम शिवसेना तो इस बात का तो जवाब दे कि भाई आप राम मंदिर के अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आप विरोध करते हो, राम मंदिर के लिए जो हमने ईंटें इकट्ठा की थी आप राहुल गांधी जी को अच्छा लगे इसलिए उसके बारे में आप टिप्पणी करते हो। अरे भाई आप हिंदू हो ना, हमसे मतभेद हो सकता है, मैं मान लेता हूं हमारी भूमिका गलत है, लेकिन आप हिंदू हो भाई, राम के प्रति आपका कौन सा मतभेद हो सकता है? राम मंदिर बने यह तो शिवसेना प्रमुख की भी इच्छा थी, तो हमने क्या गलत किया, हमसे गलती क्या हो गई?
गोपाल जी इसके जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और मैंने वही कहा कि आपके नेता आज तक कोई आपका नेता गया मातोश्री पर और जाएंगे भी नहीं आप, क्योंकि कांग्रेस की क्या सोच है मैं जानता हूं। हम मातोश्री पर जाते थे बाला साहब ठाकरे को मिलने के लिए जाते, यह बाला साहब का सम्मान था। उद्धव ठाकरे जी ने इसे अपने ईगो का विषय बनाया, हम फिर भी गए, हमने फिर भी बात की। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी अकेले नहीं बैठे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बैठे। कल चल के इन्होंने भी कहा कि बंद कमरे में इन्होंने मुझे सीएम कर, वो राहुल गांधी जी ने बराबर उस चीज को भाप लिया। हम तो विश्वास से गए थे, हमने विश्वासघात का वार झेला है, आपका अभिनंदन करता हूं। उद्धव ठाकरे जी ना घिसते रहे, लेकिन ना तो आपने उनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, ना ये कहा कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपने पल्ला झाड़ दिया, सब एक समान सीट लड़ेंगे और सब चुनाव के बाद तय करेंगे। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन नमियार जी, इस बात का गोपाल तिवारी जी जवाब, यानी जब शिवसेना की ओर से जवाब देना चाहते तो दे सकते हैं। वो सुनावने साहब बोलेंगे, बट पहले गोपाल जी सुनावने साहब बोलेंगे आर्टिकल 370 बाला साहब ठाकरे जी का ड्रीम, बिकॉज बोले बोले गोपाल तिवारी जी पहले बोलो। गोपाल जी, हर शिवसेना का सवालों का जवाब देने के लिए मैं ना उद्धव शिवसेना ठाकरे शिवसेना का प्रवक्ता हूँ और ना मैं इंडिया आगाड़ी का गठबंधन के एक पार्टी कलिक के नाते जितना एक पॉलिसी के लिए जो जितना बनता है उतना मैं जवाब दे पाऊंगा। लेकिन गणेश जी ने बहुत खूबी से मेरा सवाल को टाल दिया। मैंने ये कहा था कि ये इतना अच्छा आपके पास बहुमत होने के बाद आपने अजित पवार जी को लेके एनसीपी को लेके जिन्होंने 19 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया उनको आपने साथ में क्यों लिया? भाई आपने तो जवाब नहीं दिया उसका। गोपाल जी आपने क्यों एक लाइन में जवाब देता हूँ, एक लाइन में जवाब देता हूँ आपको, दीजिए लाइन में जवाब देता हूँ। तो ये इस भारत माता के उत्थान के लिए, भारत माता की जय कहने के लिए यदि कल आप ही आएंगे तो आपका स्वागत करने के लिए गणेश खणकर आएगा। मेरे से मेरा बड़ा मेरा राष्ट्र है, मैं दिल्ली में किसी एक पेड़ के पीछे आपका भी स्वागत है। अगर 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 इतना राष्ट्र के प्रति है तो राष्ट्र के प्रति इतना 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप कर कर के आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते है क्या? हमने गुमराह करते क्या? हमने जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, अरे बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने कैंडिडेट दिए है, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया जनता ने, खिलाफ नहीं दिए थे। अरे उसका तो हमने तो अरे उसकी अलग है। देखो अरे कमल है, आप तक 19 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जिनको गिराया बीजेपी के कैंडिडेट को, उनको आप रेड कार्पेट दे रहे हैं चुनाव के पहले ही। चुनाव में जाके देते तो ठीक रहता था, आपका आपके पास जवाब ही नहीं है ना इसका, सीधी बात है और क्या। मैं सोनावने साहब के पास आऊं। सोनावने साहब जी, नंबियार जी, हां बोलिए। यदि उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस नहीं जाती तो उनके 44 में से 32 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले थे। ये आज ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये मेरी जानकारी है। 12 विधायक खाली कांग्रेस के पास रहते यदि वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाते तो, ये आज बता रहा हूं मैं। सुनो ने सब एक भी विधायक छूटा नहीं भाई। सुनो ने सब, आपने आप आज भी कर्नाटक में आज भी इनकी कोशिश कर रही है ओके देके लोगों को खरीदना और ये राजकीय कुरघोड़ी है, गड़बड़ी है और क्या है, और क्या है दूसरे। अब देश भेद बदल के जाते थे, रात को 12 से सुबह 12 बजे तक जाते थे, ये करने की क्या नौबत आई आपको? आपको जनता ने मैंडेट दिया है तो नैतिकता के आधार पर राज करो ना। साहब साहब एक बात बताओ गोपाल जी, ये भेज बदल कर हमने जाना। कभी ऐसे राजनीति की नहीं भैया गणेश जी, हमने कभी ऐसे राजनीति की बिल्कुल नहीं की। सुनो ने साहब यू नो आर्टिकल 370 राम मंदिर बाला साहब ठाकरे जी का अजीज ड्रीम सपना था, मोदी साहब ने पूरा किया। आज नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में मिलकर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात कर रहे, तो आप यू नो कैसे विचार, बाला साहब का विचार लेके चलने वाले के दिल में कैसा होता होगा? एक तो गोपाल जी और वो जो कह रहे हैं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 370 आर्टिकल अगर वो वापिस रिस्टोर करते हैं तो पूरे जम्मू और कश्मीर या पूरे भारत से उसका विरोध होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से
कश्मीर में विकास की लहर चल रही है, विकास आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, नए ये नई बातें चल रही है और अभी चुनाव भी सरकार लेने जा रही है, तो इसको लेकर जिस तरह से बात कर रही है कांग्रेस, तो राहुल गांधी जी का हमेशा से या कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है कि लोगों को जाति में, धर्म में, अलग अलग इसमें हिस्से में बांट कर रखो और उनको हमेशा अरे एक दूसरे के खिलाफ जूझते रखो ताकि हम अपनी राजनीति करते रहेंगे। तो यही बात जो है वो एक तबके को खुश करने के लिए 370 का रिस्टोरेशन, राम मंदिर के लेकर बात करते हैं। तो ये बातें अभी एक बार जो बात हो चुकी है वो दोबारा आने की बात नहीं है, राहुल गांधी उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि सरकार उनको मैंडेट ही नहीं मिला है। पांच साल के बाद देखेंगे उनको मैंडेट मिलेगा तब तक। लेकिन अभी जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको लेकर लोगों के सामने जो सही चित्र है वो आ जाएगा। और गोपाल जी को भी पता है कि उद्धव ठाकरे जी और ये जो कांग्रेस का गठबंधन है वो किस मायने पर, ये तो सत्ता के लेकर टिका हुआ था। सोनावणी जी इंजीनियरिंग, आई थिंक वी हैव लॉस्ट सोनावणी जी, द साउंड कनेक्शन का कुछ इशू आ रहा है। नहीं, आपका आवाज ठीक है रहा अभी। बोलिए बोलिए सोनावणी जी, वी कैन हियर यू। सोनावणी जी बोलिए बोलिए, वी कैन हियर यू। सोनावणी जी आप कहते रहिए, कांग्रेस का गठबंधन है, बीच बीच में आवाज को डिस्टर्ब करेगा। सोनावणी जी बोलिए बोलिए, गोपाल जी नहीं कर रहे हैं। मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही है। आई कैन हियर यू। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, गोपाल बोलिए, सोनावणी साहब बोलिए। वो जानते नहीं कि इसका ऑपरेटिंग आपके पास है, चैनल के पास, मैं क्या कर सकता हूँ उस पे। अच्छा हुआ आपने कहा कि माइक बंद है, नहीं तो संसद के जैसा नंबियार जी आप पर आरोप लगता कि आपने माइक बंद कर दिया। No, सोनावणी जी, वी कैन हियर यू। सोनावणी साहब बोलिए बोलिए, सोनावणी साहब बोलिए, आप बोल रहे थे आर्टिकल 370 राम मंदिर, बाला साहब ठाकरे जी का विचार। गोपाल जी ने जिस तरह से कहा 370 का जो मामला है, अगर राहुल जी इस तरह का कुछ बात करते रिस्टोरेशन का, तो ये भारत के तमाम 78% हिंदुओं के और जम्मू कश्मीर के लोगों के ये मानसिकता के खिलाफ है। ये अभी मुझे पूछी है गोपाल जी से कि वो जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे तब राहुल जी कहाँ थे, उनको अत्याचार को लेकर राहुल जी आज भी क्यों नहीं बोल रहे। दूसरे किधर छोटे बहुत बातें होती है, बंगाल में जो रेप का केस हुआ उसके ऊपर राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे। बाकी ये सिलेक्टिवली राजनीति करना ये कांग्रेस का हमेशा से एजेंडा रहा है, ये और वो राहुल जी चला रहे हैं और उनके प्रतिनिधि गोपाल जी है वो उस तरह से बात कर रहे हैं। ये 370 जो है वो वहां के कश्मीरी जनता के हित में लिया गया निर्णय है, कई सालों से वहां के लोगों की मांग थी और ये बाला साहब ठाकरे जी ने जाहिर सभा में कहा था कि अगर कभी आएगा तो अटल जी उस दौरान उस सभा में मौजूद थे और किस तरह कौए उनको एक तरह से अपना न्याय मिलना चाहिए और वो बात हुई है। गोपाल जी वांट टू रिस्पॉन्ड बिफोर गो टू खानकर साहब। गोपाल जी वन मिनट इफ यू वांट इफ यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट ही सेड। देखो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं इन्होंने कहा अच्छी बात कही कि भाई कश्मीर में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा था, तो मैं हमारे मित्र इनको कहता हूं कि आप थोड़ा स्टडी करके आइए, हिस्ट्री पढ़िए। 1947-1950 के बाद सबसे पहले 40 साल के बाद पहले बार हिंदुओं को जब हाथ लगा तो कांग्रेस सत्ता के बाहर थी। कांग्रेस के राजू जी के ऊपर बोफोर्स का आरोप लगा के विश्वनाथ प्रताप सिंह को बीजेपी के सपोर्ट पे सत्ता आई थी वहां पे केंद्र में, और 1990 में कश्मीरी पंडितों पे हमला हुआ था तो हमारे नेता राजीव गांधी विरोधी पक्ष नेता थे। हमारे को आपको भी जानते 197 सीट मिली थी, आप जाके पढ़िए, गूगल पे देखिए, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखिए, फिर भी हम राजू जी ने सत्ता का दावा नहीं किया। 197 सीट मिलने के बाद ये नैतिकता थी नेहरू गांधी घराने की। और उस समय जब जगमोहन बीजेपी के वहां के राज्यपाल थे, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की सरकार थी, वो बर्खास्त की इन्होंने,
और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो बीजेपी के सपोर्ट के ऊपर जो केंद्र में सत्ता थी और उस समय वहां पे राष्ट्रपति राजवट थी, एक हाथ थी, एक हाथ में सत्ता थी इनके पास, तब जाके कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए। और जब मणिपुर जैसा कश्मीर जल रहा था तो हमारे नेता वी आर प्राउड राजीव गांधी ने 197 सांसद लेकर संसद को घेराव किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तब मिलिट्री भेजी वहां पे, तब जाके कश्मीरी पंडितों की हत्या रुकी। और इसका भी श्रेय राजू जी को देना चाहिए। और आपने कश्मीरी फाइल निकाली ना तो लोग सब पूछने लगे, तब सत्ता तो बीजेपी के सपोर्ट में विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी, फिर कांग्रेस का क्या मतलब? तो आप हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए, जैसे पुलवामा में हुआ, आपके पास सत्ता है, आपके पास राष्ट्रपति राजवट है, हमारे सत्यपाल मलिक पूछते हैं बार बार आपको, आप उनको जवाब नहीं देते, शर्म आनी चाहिए, शर्म। चालीस हिंदू कानकर साहब, आर वी सीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर, राहुल गांधी जी में एक स्ट्रॉन्ग लीडर दिख रहा है, बिकॉज कांग्रेस कह रहा है कि राहुल गांधी जी के वजह से आपने ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले लिया, वकफ बिल आपने जेपीसी में भेज दिया, इंडेक्सेशन रिस्टोर किया, विड्रॉल ऑफ नोटिफिकेशन, 45 लैटरल पोस्ट जो रिक्रूटमेंट था वो राहुल गांधी जी का रिसर्जेंट ऑपोजिशन लीडर है, इसलिए आप डर के खानकर साहब वो सब बिल आपने थोड़ा लो प्रोफाइल में डाल दिए, क्या सच्चाई है कि इज रिसर्जेंट ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी? राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे और उन्होंने कश्मीरी पंडित की हत्या पर संसद को घेराव किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीजेपी के सपोर्ट के राहुल गांधी जी की अभी के बात कर रहा हूँ, गोपाल जी राहुल गांधी जी की अभी के बात कर रहा हूँ, जो ब्रॉडकास्टिंग बिल विड्रॉ हो गया, वकफ बिल आपने जेपीसी में भेज दिया, रेस्टोर इंडेक्सेशन रेस्टोर किए, नोटिफिकेशन लैटरल एंट्री रिक्रूटमेंट वो आपने बंद कर दिया, क्या इस राहुल गांधी बिकम अ पावरफुल ऑपोजिशन लीडर खानकर साहब? बिल्कुल, यानी गोपाल जी बोलते बोलते वो मल्लिकार्जुन खड़के की तरह वो भी भूल गए, उन्होंने कहा कि संसद का घेराव किया था, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार थी, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि गोपाल जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के 89 सांसद थे और कम्युनिस्ट पार्टी, अरे सुनिए तो मेरी बात को सुनिए ना, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के 69 सांसद थे, वी वेर आउट ऑफ गवर्नमेंट, हम सरकार को बाहर से समर्थन, पूरी बात, अरे बात तो सुनिए अभी, अरे आपके समय मैंने आपका राहुल गांधी का पूरा मैंने शांति से सुना, आप जो बात कह रहे हो तो वीपी सिंह 11 महीने प्रधानमंत्री थे, 6 महीने उसके बाद में दूसरी यानी चंद्रशेखर को आपने 4 महीने दिए, 2 महीने के बाद सरकार गिरी, हत्या के बारे में बात कीजिए इधर, मतलब वो ही मुद्दे पे, अरे मैं वही बात कह रहा हूँ मेरे भाई, अरे फिर गणेश गोपाल जी सुनिए ना मेरी बात, आप मेरी बात को ही सुन नहीं रहे हो, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि 16 महीने कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, और जब आप ये बात कर रहे हो तो उस समय जगमोहनीय भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ये 1996 में जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद का संबंध आप 1990 के साथ मत जोड़िए, ये आप गलती कर रहे हो, जो बाद में संबंध जोड़ने की मेरी बात सुनिए, आरएसएस के थे जगमोहन, आरएसएस के थे, आप देखा हिस्ट्री देखिए उनका, तो वो उनको राज्यपाल करके आपने भेजा, जब कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई तो कश्मीरी घाटी के लोग वहां उनके पास संरक्षण मांगने गए तो वो खुद बोलने लगे आप घाटी छोड़ के जाओ करके, ये कौन सा है आपके हाथ सत्ता होने के, ये जगमोहन जी आपके, अरे गोपाल जी जगमोहन जी आपके पर्सनल मिले थे क्या? अरे आप कश्मीरी पंडित बात कर रहे हो, यानी नंबियार जी ऐसा है कि जगमोहन जी भारतीय जनता पार्टी में 1996 में हमारा संबंध आया, 1990 के दशक में हमारा जगमोहन जी से कोई संबंध नहीं था। दूसरी बात, अब ये बार बार जो कांग्रेस ये बात कहने की कोशिश कर रहे, मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं नहीं अजीब क्या, वास्तवता बताइए ना, आप बताइए वास्तवता क्या। अरे मैंने तो एक लाइन में कह दिया ना, क्या मैंने एक लाइन में कह दिया कि जगमोहन जी का उस समय हमसे कोई संबंध नहीं था।
दूसरी बात, उसके बाद आपने बीजेपी में लेके सत्ता में लिया नहीं लिया तो उसको प्राइज दिया आपने, उनको प्राइज दिया आपने। और दूसरी बात, ये जो बार 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 आप नंबियार जी राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे कि राहुल गांधी जी ने ये किया, राहुल गांधी जी ने, मैं राहुल गांधी जी, सुनिए सुनिए, मैं राहुल गांधी जी को बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से अपना भाषण देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री उनको चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वो संसद की परंपरा है। उसके विपरीत जब प्रधानमंत्री बोलने को खड़े हो गए तो राहुल गांधी जी अपने सांसदों को वेल में उतारते हैं। क्या है, आपसे दूसरी कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि संसद की परंपरा में प्रधानमंत्री को जाकर गले लगाना, फिर पीछे आकर अपने सांसदों को आंख मारना, ये राहुल गांधी जी कर सकते हैं। और नंबियार जी, इस देश का भला होगा यदि जो सीरियसनेस राहुल गांधी जी अभी दिखा रहे ना, वो संसद में पूरी तरह से, 10 साल हमने उनको रोका नहीं था, हमने जरा भी नहीं रोका था। कोई भी ऑपोजिशन का व्यक्ति जब संसद में बहस होती है तो हर पार्टी को समय तय होता है कि उनकी पार्टी कितना समय बात करेगी, और ये ज्वाइंट मीटिंग में तय होता है। ये कोई किसी के मन में आया इसलिए कांग्रेस पार्टी 10 मिनट बोलेगी और बीजेपी 10 घंटे बोलेगी, ऐसा नहीं होता है। एक बहस का तरीका होता है, उतने घंटे तय होते। तो मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, गए 10 सालों में ये बात करने के लिए हमने रोका था क्या? अब वो संसद में खड़े होते हैं, वो कहते हैं त्रिशूल कहाँ रखा था, वो कहते हैं कि सहिष्णु हिंदू है, वो कहते हैं असहिष्णु हिंदू है, हिंदू हिंसक है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ गोपाल जी, आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन 2029 में हमारी जीत की नींव आपके राहुल गांधी ही रखेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरी बात को लिख के रखिए नंबियार जी, मैं आपके चैनल पर बार बार आके कुछ बातें कहता हूँ। और गोपाल जी, एस्ट्रोलॉजी, इनके इनके भविष्यवाणी बहुत सही होता है गणेश जी। और मैं आज आपको बता रहा हूँ गोपाल जी, हमारा रास्ता राहुल गांधी बना कर देंगे। आप ऐसे बात करते रहो, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। खानकर साहब, कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्या लाड़की बहन, वन मिनट में बोलिए, क्या लाड़की बहन इज अ गेम चेंजर इन महाराष्ट्र, महायुति विल कम बैक। खानकर साहब, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम पूरी तरह से अब सत्ता में आ रहे हैं। मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अक्टूबर की 4 और 5 तारीख को जैसे ही आचार संहिता लगेगी, ये देख लीजिए शिवसेना को 100 के अंदर ये सीटें देंगे, उसके बाद शिवसेना की प्रतिक्रिया हमको देखनी है। वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आप जाहिर करो, उसके बाद इनकी जो प्रतिक्रिया आएगी वो हमको देखनी है साहब। 2019 में इनके ही नेता ने हमारे पीठ में चूरा घोपा था, हमको वो देखना है। गोपाल जी, गोपाल जी, सोनोवाल साहब, फाइनल वर्ड बोलिए गोपाल जी, 1 मिनट में फाइनल बोलिए। लाड़की बहन इज अ गेम चेंजर, दे से यू आर गोना लूज। सोनोवाल साहब ने कहा कि सर्वे इज क्लियरली क्लियर, सीएम एकनाथ शिंदे जी बोलिए। गोपाल जी, जी ने राहुल जी के ऊपर जो भी टीका टिप्पणी की, मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ भाई, ये हो गया अभी 10 साल, पिछले सालों में नहीं जाता हूँ मैं, 2014 के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उभरी है और उसको 98% बढ़ावा दिया लोगों ने, हमारी 50 सीट थी 100 हो गई है। अब तो राहुल जी को आप कोसना बंद कीजिए और अभिनंदन कर रहा हूँ। अरे गोपाल जी, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी इसी तरह से संसद में भाषण करे, 2029 का रास्ता आप ही हमको देने वाले हो, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसी जनता ने को अधिकृत विरोधी पक्ष नेता भी बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया ना, आपका अभिनंदन। अरे गोपाल जी, महाराष्ट्र में महायुति इज गोइंग टू स्वीप, सोनावले साहब ने कहा। पहला एक जवाब आपका, जो 370 के बारे में, जम्मू कश्मीर के आज चुनाव क्यों ले रही है, कोर्ट की वजह से ले रहे, कोर्ट की वजह से इनको लताड़ लगाई तब जाके चुनाव ले रहे, ये 6 साल हो गए 370 खत्म करके, क्यों नहीं चुनाव ले पाए वहां पे, क्यों नहीं लेके पाए, पूछिए उनको। लाड़की बहन विल कंक्लूड, ये लाड़की बहन का गेम चेंजर है का। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, कश्मीर चुनाव लेना पड़ा, जवाब दे देगी आपको महाराष्ट्र के बारे में, 370 की महाराष्ट्र में लोकतंत्र संविधान मानने लोकतंत्र है, युवा है, वयोश्री योजना, ये सारी योजना को लेकर जनता में जिस तरह का उत्साह है,
लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार दोबारा आ रही है। कांग्रेस ने जिस तरह का भ्रम फैलाया है और उद्धव ठाकरे की कांग्रेसी सेना लेकर जिस तरह से काम किया है, वो लोगों को समझ में आ चुका है और आने वाले समय में आपको और समझ में आ जाएगा कि लोग किस तरह से किस बाजू में जा रहे हैं करके। थैंक यू खानकर साहब, थैंक यू ऑल वेरी मच, थैंक यू खानकर साहब, गणेश खानकर साहब, थैंक यू सो मच, किरण सोनावने साहब वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, गोपाल तिवारी जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम एज वी ऑलवेज फिनिश विद द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल सेज वी द पीपल हियरबाय रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. When you talk about liberty, it's freedom of speech, expression, faith, worship and belief, the right to life, liberty and pursuit of happiness. And when you talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing the political and territorial integrity of the nation. As we always say, all the political parties together combine, come together and see the foundations of the Constitution are sound and secure. Because as we always say, if the foundations of the Constitution are sound and secure, the Constitution survives. If the Constitution survives, the country survives. You can click on to subscribe. You can click, you subscribe to Nation Now, you'll get the latest program updates, you'll get notifications when Nation Now is concerned. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll again come tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.